नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को 2023 का। सो क्या है इस पॉलिसी के अंदर में, क्या सरकार करना चाहती है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ये सेशन अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ये अपना ऑफिशियल मेंस बाबा का टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता तो ऑफिशियल चैनल जो अपना मेंस बाबा का है जिसपे मैं क्लासेस डाला हूं, वहां की अबाउट अस में भी मैंने लिंक दे रखा है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरे आप तक जल्दी पहुंच सके। टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ओके, जीएस पेपर 2 का इंपॉर्टेंस है। तो मैंने बता दिया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को। इस पॉलिसी के अंदर में जो अपना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक तरह से क्या कर रही है कि वो सरकार को एक तरह से इम्पावर कर रही है। जैसे मानिए कि सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और सरकार बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है जो लोगों तक पहुंचाना चाहती है सरकार डिजिटल माध्यम से। लेकिन पहले क्या होता था कि सरकार मात्र वीडियो और OTT प्लेटफॉर्म्स तक ही लिमिटेड थी, लेकिन अब सरकार अपना विस्तार कहां तक कर रही है, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में भी कर रही है और भी पब्लिक सर्विस चैनल्स जो है उसके ऊपर में भी सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपना जो कैंपेन है या फिर जो भी हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसा कि आप देखते होंगे कि कभी भी आपने मूवी देखने गया होगा तो आपको मूवी के स्टार्टिंग में बहुत बार सिगरेट के और तमाम तरह के ऐड दिखाए जाते हैं, अवेयरनेस ऐड, जहां पे ये बताया जाता है कि सिगरेट पीने से आपको हानि हो सकती है। तो उसी तरह से अब सरकार अपना अवेयरनेस प्रोग्राम और भी प्लेटफॉर्म पर एक्सपेंड कर रही है ताकि सरकार ज्यादा से ज्यादा वाइडर ऑडियंस को और टारगेट ऑडियंस को अवेयर कर सके आने वाले खतरे के बारे में। तो ये इसलिए इस पॉलिसी को यहाँ पे सरकार के द्वारा अप्रूवल किया गया है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अब इसके अंदर में इंक्लूड हो चुके हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे भारत में बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अन्य प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सरकार वहां पे भी कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कर सके अवेयरनेस प्रोग्राम अपने स्कीम्स को ताकि लोगों को जानकारी मिले और लोग अंतिम में उसका लाभ उठा पाए। तो क्या है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम करता है साथियों 360 डिग्री पर, चाहे आपका हो जाए मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर ऑटोनोमस बॉडीज जो भी भारत के अंदर में चल रही हैं सरकार के अंदर में, उनका जो भी ऐड होता है, चाहे वो प्रोग्राम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, वो 360 डिग्री पर ये काम करती है कि हाँ उस, अब देखिए क्या होता है ना कि कभी भी कोई ऐड चलता है तो कभी भी अपना प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि एक कंपनी एक्स कंपनी है, मानिए मैंने ले लिया टाटा को, टाटा कंपनी ने क्या किया, कोलैबोरेशन किया फेसबुक के साथ, ठीक है, और फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि भैया तुम ऐड दिखाओगे 10 सेकंड का, 5 सेकंड का मेरे टाटा के इस कार का और तुमको इतना पैसा दे देंगे। बस वही काम हम यहाँ पे क्या करने जा रही है, सरकार करने जा रही है। सरकार कर रही है कि हमारी विभिन्न प्रकार की पॉलिसी है, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत सारे चीजें जो बहुत ही लिमिटेड है अभी टीवी तक। लेकिन अब क्या है कि जैसा कि आए दिन आप लोग देख रहे हो कि सोशल मीडिया का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स का यूज हो जा रहा है, ब्रॉडकास्ट लोग आजकल यूज कर रहे हैं, बहुत सारे FM आ गए हैं इस तरह के मार्केट में जो यहाँ पे लोग कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो सरकार उन पर भी अब जाना चाहती है। तो ये कवर करता है आपका प्रिंट मीडिया को, ऑडियो विजुअल्स को, आउटडोर्स एंड डिजिटल मीडिया को, ये सारे चीजों को ये जो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है वो कवर अप करता है। इस पॉलिसी का कंप्लीटली एम है सेंड सिटीजन सेंट्रिक मैसेज। याद रहिएगा, सिटीजन सेंट्रिक मैसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, UPSC मेंस के अंदर में सवाल कर सकता है कि सिटीजन सेंट्रिक का मतलब क्या है। यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक एक नया वर्ड निकल के आ रहा है आपके लिए, और सिटीजन सेंट्रिक का मतलब है कि जैसे मानिए कि कोई एक सिटीजन है जिसको आप अवेयरनेस करना चाहते हो किसी के बारे में, जैसे मानिए कि हम चाहते हैं कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको बताएं कि कुछ भी ऐसा चीज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो गलत है, ठीक है, या मिस इन्फॉर्मेशन है। तो टारगेट ऑडियंस क्या हो गए, मान लेते हैं 18 साल से 24 साल के बच्चे हो गए,
तो लोग अब सरकार क्या कर रही है, पूरे वास्ट लेवल पे इसे टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि क्या होगा इससे पैसे भी लगेंगे और बेकार हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये ऐड है नहीं। तो सरकार अब टारगेट ऑडियंस को कवर अप कर पाए, इसलिए सरकार इस पॉलिसी को ला रही है। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो, सरकार यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने चाह रही है कि जो भी रेट्स पे हम लोग एड्स को बेच रहे हैं या जो भी अपने स्कीम्स को दिखा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो पूरा, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, कंपनियां जो भी इसमें आके हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहे, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होगी और क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये अल्टीमेटली गोल है सरकार का इस पॉलिसी के अंदर में। अब सरकार इस चीज को चार कैटेगरी में मार्क रही है, ठीक है। एक कैटेगरी में वो लोग होंगे जिनके पास यूजर्स 1 करोड़ से 2 करोड़ होंगे, वो एक कैटेगरी के अंदर में आएंगे, यानी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे प्रिंट मीडिया या फिर आप कोई भी तरह का मीडिया ले लीजिए, जिनके यूजर्स 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ हैं, वो कैटेगरी ए में लाइक करेंगे, 50 लाख से 1 करोड़ वाले बी कैटेगरी में लाइक करेंगे और 25 लाख से 50 लाख वाले सी कैटेगरी में लाइक करेंगे। तो सरकार ने यहाँ पे टोटली डिविजन कर दिया गया है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट के लिए 5 लाख यूनिक यूजर का यहाँ पे बात किया गया है अलग से। तो ये कंप्लीटली पॉलिसी के अंदर में सरकार यहाँ पे एक तरह से जो पहले क्या होता था डिजिटल मीडिया में, जो सरकार अपना एड दिखाती थी, चाहे वो मैंने बताया कि चाहे वो पॉलिसी की हो या स्कीम की हो, लेकिन वो क्या होती थी, सिर्फ टारगेट होती थी। जैसे मानिए कि हमने भैया फिल्म चालू होने से पहले एक ऐड दिखा दिया सिगरेट का, उसके बाद और भी तरह के ऐड दिखा दिए, वुमेन के हेल्थ के बारे में दिखा दिया, बहुत सारा ऐड दिखा देती थी सरकार फिल्म के चालू होने से पहले। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग फिल्म भी ऐसा नहीं कि हर लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, कोई लोग तो सोशल मीडिया पे हैं, कोई लोग अब पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कुछ देखना ही पसंद नहीं करते हैं कुछ, तो अब यूजर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग हो रहा है क्योंकि मार्केट में डाइवर्सिफाई आ रही है। तो सरकार भी अपने एजेंसीज को, अपने मार्केटिंग एजेंसीज को भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी क्या करना चाह रही है, डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, इसलिए इस पॉलिसी को सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया गया। ये एक मेंस का मैंने क्वेश्चन लाया आपके ऊपर, ठीक है, तो आप इसे जरूर करिएगा। और आप सबको अब छुट्टी के बाद ही मिलूंगा मैं, क्योंकि अब महाफेस्टिवल छठ शुरू होने वाला है, तो एक सेशन मैंने सोचा कि छठ से पहले ला दिया जाए ताकि बहुत ज़्यादा क्लास में गैप ना आ जाए। तो अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी या क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।